हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए इक्वल टू 2513 ये मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पे हमें ए इनवर्स ढूंढना है, तो वही पुरानी टेक्निक लगाएंगे। ए इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू ए। ए की वैल्यू क्या थी, 2513 इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या थी, 1001 इंटू ए। अब मैं इसे क्या बनाना चाहता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाना चाहता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करूँगा, देखो दो तरीके हैं। या तो यहाँ एक्सचेंज ऑफर कर लो जिससे 1 यहाँ पे आ जाए, या डिवाइड बाई 2 कर लो। डिवाइड बाई 2 करने पर यहाँ तो 1 आएगा लेकिन ये 5/2, जो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर सकता है। तो एक काम करते हैं, या एक्सचेंज ऑफर करते हैं। क्या किया मैंने, रो 1 को रो 2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 01 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है ना। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, रो 2 के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 लाना है। हमें पता है 2-2 0 होता है, देखो यहाँ तो सिर्फ 1 है। तो मैं क्या करूंगा, रो 2 के अंदर क्या करूंगा, रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1। इससे क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा क्या, रो 1 के सारे एलिमेंट। तो क्या होगा, 2-2 0। अच्छा देखो, मैंने ऑपरेशन किस में कर रहा हूँ, रो 2 के अंदर, तो रो 1 को छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज लिख देना है, 1301। ये भूलना ही मत, नहीं तो आंसर गलत आने के हो चांस हो जाते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, 2-2, देखो ये आपको 2 दिखना चाहिए क्योंकि हर चीज मैंने डबल कर दी है, 2-2 0। अब देखो 5-, ये तो 6 हो चुका है, तो -1। अब यहाँ पे क्या होगा, 1-0 1। देखो 0-2 0-2 is -2। अब देखो मुझे 1 and 0 तो मिल गया, अब यहाँ पे क्या मिला, -1। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं इसको 0 बना दूँ या इसे 1 बना दूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसे ही पहले 0 बना देते हैं, ताकि फिर बाद में इसे तो सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करने का रह जाएगा। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्यों, -3 हो जाएगा और इसमें जाते ही इसे 0 बना देगा। तो पर किस में ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो 1 के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा, रो 1 के अंदर हम क्या करेंगे, R1 + 3 times √2। क्यों 3 times, क्योंकि -3 बन रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, रो 1 के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो रो 2 को कुछ नहीं करेंगे, रो 2 एज इट इज 0-1 एज वेल एज 1-2। अच्छा अब क्या करेंगे, मैंने कहा रो 1 प्लस थ्राइस रो 2, रो 1 प्लस थ्राइस रो 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 and this is -3 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा आप देखना, 0 + 3 क्योंकि 3 हमने कर दी, ठीक है, देखो रो 2 को 3 कर चुके हैं, तो 0 + 3 is actually 3। यहाँ पे देखो 1 और यहाँ -6 हो जाएगा, 1 and -6 क्या देता है हमें, -5। बच्चे ने कहा सर यहाँ -1 है, मैंने बोला डरता क्यों है भाई, हम रो 2 के अंदर ऐसा तो काम कर ही सकते हैं, -1 से उसे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ होगा 1001 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और कैसा, वो भी माइनस, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ -, -, प्लस यहाँ 3 and -5 बैठा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम मैं अगर बी दे दूँ और इसे ए एज इट इज़ रहने दूँ, तो मुझे पता चला ए इंटू बी इक्वल टू आई आर आई, दैट मीन्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मीन्स बी इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3-5 -1 and 2, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेम वे यहां मैट्रिक्स दिया है और हमें ढूंढना है इनवर्स। कुछ कहेंगे सर ये तो कितनी बार हम रो की प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैंने कहा चल एक कॉलम की भी प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि तुम लोगों को पता चले कि कॉलम में ऑपरेशन करने से कैसे हमें ए इनवर्स मिल सकता है। मैं अगर इसको ए बोल दूं तो हमें पता ही है कि ए इक्वल टू आई इंटू ए हम कह सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमें पता है, 3152 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, 1001 इंटू ई। क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, पर कैसे, कॉलम में ऑपरेशन करके। बच्चे ने कहा सर कैसे करें, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ 1 चाहिए ना आपको, तो एक काम करो, ठीक है, कॉलम में से यहाँ से किसको मल्टीप्लाई करके यहाँ इधर चलाओगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। मैंने कहा यार 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्योंकि 1 2 2, तभी मुझे पता चलेगा कि 3-2 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, तो तभी हमें आंसर मिल सकता है। तो बच्चे ने कहा सर हम कॉलम 1 के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, यस कॉलम 1 के अंदर क्या करेंगे, 3-2 करेंगे, तभी यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी C1 - 2C2। तो बच्चे को एक बात बताई मैंने, मैंने कहा देखो फिर से यहाँ एक ही बात ध्यान रखनी है, C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो C2 को तुरंत पहले लिख दो एज इट इज़ 1 2,
01 ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो C1 माइनस ट्वाइस C2 मतलब ये आपको डबल दिखनी चाहिए। 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 5 माइनस क्या है 4, यानी क्या होता है 5 माइनस 4 1। अच्छा यहाँ देखो 1 माइनस 0 1, अच्छा 0 माइनस 2 इज माइनस 2, क्या किया मैंने इनको डबल करके माइनस किया, ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा 1 और यहाँ चाहिए 0, ठीक है 1 0 फिर यहाँ पे क्या चाहिए 1 एंड 0, तो क्या करें मैंने कहा एक सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे 1 जल्दी बन सकता है, यहाँ पे 1 जल्दी बन सकता है, कैसे मैं अगर इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दूँ, यानी कि इसे मैं माइनस कर दूँ इसमें से, जैसे 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ जल्दी काम हो सकता है। तो एक काम करते हैं C2 के अंदर ऑपरेशन करते हैं, क्या हम करेंगे हम C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे। बच्चे ने कहा सर कॉलम 2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1 एज इट इज़ लिख दे, मैंने कहा बढ़िया बात कही तूने, चलिए लिख देते हैं। अच्छा सर अब क्या होगा, मैंने कहा C2 माइनस C1 क्या होगा 1 बचेगा यहाँ पे। अच्छा सोचो 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1, 1 माइनस माइनस 2, यानी कि ध्यान से देखना यहाँ पे हमने किया 1 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। अब बच्चे ने कहा सर यहाँ हमें 0 चाहिए था, हमें हर जगह मिल गया जो भी एलिमेंट चाहिए था, यहाँ कमी है। मैंने कहा इसे आपको पता है 1 माइनस 1 0 होता है, मतलब C1 माइनस C2 करने पर आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कॉलम 1 के अंदर C1 माइनस C2 कर दूंगा, जिससे क्या होगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। लेकिन मैं C1 में कर रहा हूं तो पहले C2 हर जगह एज इट इज लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो C2 यहां है माइनस 1 एंड 3, माइनस 1 एंड 3, यहां पे है 0 एंड 1, 0 एंड 1। अब देखो C1 माइनस C2, ठीक है C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, मैंने कहा माइनस 2 माइनस 3 इज एक्चुअली माइनस 5, ठीक है 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज एक्चुअली 2। तो मैंने देखा यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मुझे पता चला आई इक्वल टू बी इंटू ए क्या बताता है कि ये इसका इनवर्स है या तो ये इसका इनवर्स है, तो मुझे पता चला बी इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए अब आते हैं हमारी रो वाली पुरानी मेथड पे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कि भाई ए इक्वल टू हमें पता है आई इंटू ए बुलाया जा सकता है, ए क्या दिया है 4 5 3 4 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। कुछ सोच रहे होंगे सर क्यों रो ही ले रहे हैं, कभी कॉलम से स्पेशली नहीं कहेंगे, मैंने कहा नहीं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखा होगा, ठीक है, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लिखा हो आपसे आंसर बनेगा ही बनेगा, इसलिए एक कॉलम का दिखा दिया। नॉर्मली हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा होता है तो आप रो लगा के खट से कर सकते हो, या फिर नॉर्मली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही दिखता है। अच्छा अब क्या करेंगे, मैंने कहा देखो हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ लाना है 1, क्या लाना है 1, तो क्या करेंगे मैंने कहा 4 माइनस 3 1 हमें दिख रहा है, यानी कि हम रो 1 के अंदर क्या करेंगे रो 1 माइनस रो 2। अच्छा बच्चे ने कहा सर हमने रो 1 के अंदर ऑपरेशन किया, मैंने कहा रो 2 को एज इट इज़ लिख दो। अब देखो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 0 1, 0 1 माइनस 1 इज़ माइनस 1, क्या किया 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1। अच्छा सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा देखो 1 के बाद यहाँ लाना था 0 और बाद में यहाँ 1, तो एक काम करते हैं यहाँ अगर 0 लाना था ना तो मैं 3 माइनस 3 करूँ ना तभी 0 आता है, मतलब 3 माइनस 3 कब होगा ये अगर 3 बन जाए तो मैं रो 2 के अंदर क्या करूँगा रो 2 में से इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 तभी बनेगा, ये से 3 वन जा 3 तभी बनाया जा सकता है। अच्छा तो सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सिंपल है अब बस कैलकुलेशन करना है, देखो रो 2 के अंदर कर रहा है मतलब रो 1 को कुछ मत करना। अच्छा सर 3 माइनस 3 देखो अब आपको रो 1 3 टाइम दिखनी चाहिए, ठीक है तभी माइनस करने में आसानी रहेगी, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, क्या किया मैंने 1 माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस। बच्चे ने कहा सर 1 0 1 तो आ गया यहाँ 0 नहीं आया, मैंने कहा सिंपल है 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0, मतलब रो 1 माइनस रो 2, मैं क्या करूँगा रो 1 के अंदर रो 1 माइनस रो 2। अच्छा बच्चे ने कहा सर आपने रो 2 में कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने बोला एज इट इज़ लिख देते हैं फिर और क्या,
ताकि कोई कठिनाई ना आए, माइनस थ्री एंड फोर। अच्छा क्या कर रहे हैं, रो वन माइनस रो टू, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस माइनस थ्री, यहाँ पे हमने अभी किया था, उसका आंसर क्या आया था देखो, माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस थ्री फोर। अच्छा यहाँ क्या होगा, माइनस वन माइनस फोर इज एक्चुअली माइनस फाइव। बच्चे ने कहा सर आई इक्वल टू, ये क्या होगा, मैंने कहा ए इनवर्स होगा ना, तभी ए इंटू ए इनवर्स आई देता है, दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू फोर माइनस फाइव माइनस थ्री एंड फोर इज आर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल टू 3 10 2 7 दिया है हमें, यहाँ भी इनवर्स ढूंढना है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए देखते हैं कैसे ढूंढेंगे, कि भाई ए इक्वल टू हमें पता है आई इंटू ए कह सकते हैं, ए की वैल्यू है 3 10 2 7 इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 हर कोई जानता है। मैंने कहा यार तुझे पता है क्या, यहाँ पे हमें चाहिए 1, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बनाना है। तो बच्चे ने कहा सर 3 - 2 1 आसानी से मिल गया, तो मैंने कहा ये बात तो अच्छी कह दी, मतलब हम आर वन के अंदर क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू। देखो मैं आर वन के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है आर टू को एज इट इज लिख दूंगा, क्या करेंगे 2 7 0 1 लिख देंगे। अब आर वन माइनस आर टू 3 - 2 1 10 - 7 इज 3, 1 - 0 इज 1, दिस इज माइनस 1। अब मैंने देखा यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, मैंने कहा देखो इसे अगर 2 कर देता ना तो 2 - 2 0 आ जाता, तो मैं R2 के अंदर क्या करूँगा, R2 के अंदर R2 माइनस, देखो इस R2 में से इसे ट्वाइस करके माइनस करूँगा ताकि क्या हो जाए ये डबल हो जाए। अच्छा देखो मैं R2 के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ तो R1 को पहले एज इट इज़ लिख दूंगा 1 3 1 - 1। अब क्या करूँगा R2 के अंदर R2 माइनस ट्वाइस R1। अच्छा तो देखो ज़रा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि मैं इसे हमेशा डबल करके इसे देखूँगा, क्यों, क्योंकि तभी माइनस करूँगा और सही आंसर मिलेगा। R2 माइनस ट्वाइस R1 मतलब 2 - 2 क्या होगा 0, 7 माइनस ये क्या होगा 6 मतलब 1। अच्छा 0 - 2 इज माइनस 2, 1 - - 2 इज प्लस 2 हो जाता है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। देखो यहाँ 1 0 1 तो आ गया लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, मैंने कहा सिंपल सी बात है 3 - 3 0 होता है, इसे 3 कैसे बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा मतलब रो 1 के अंदर हमें कुछ करना है, क्या करना है रो 1 के अंदर हमें क्या करना है R1 माइनस थ्राइस R2। अच्छा इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सर हम रो 1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रो 2 को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रो 2 को मल्टीप्लाई करके रो 1 के अंदर हम ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करके। अच्छा सर अब कैसे करेंगे, मैंने बोला सिंपल है देखो R1 माइनस थ्राइस R2 करना है तो रो 2 पहले लिख देते हैं 0 1 - 2 एंड 3। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे R1 माइनस थ्राइस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 है तो 1 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ मज़ा आएगा 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा 1 - देखो ज़रा 1 - ये क्या होगा 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, -- तो प्लस हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा 7। अब क्या होगा यहाँ पे -1 - ये 3 गुना होगा तो 9, तो इसका आंसर -10। मैंने कहा आई इक्वल टू ये क्या होगा, मैंने कहा ए इनवर्स होगा तभी ए इंटू ए इनवर्स आई देता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला हमें 7 - 10 - 2 एंड 3 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है और यहाँ हमें सेम इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ हम कॉलम की प्रैक्टिस करेंगे एक और ताकि थोड़ा बहुत मजा आ जाए, क्योंकि हमने कॉलम का एक ही सम देखा था। तो चलिए देखते हैं कॉलम्स की प्रैक्टिस से, मतलब कॉलम के ऑपरेशन से कैसे यहाँ पे हम ए इनवर्स ढूंढेंगे। मैंने कहा ए इक्वल टू आई इंटू ए तो हम कह ही सकते हैं, ए होता है 3 - 1 - 4 इंटू इक्वल टू आई होता है 1 0 0 1 इंटू ए। मैंने कहा देखो यहाँ पे मैं 3 - 1 करूँगा ना, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन करना है तो सिर्फ 2 बचेगा, जबकि मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मैं इसे दुगुना कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि 3 - 2 1 हो जाता है। तो क्या करूँगा कॉलम 1 के अंदर क्या करूँगा, कॉलम 1 प्लस इसे दुगुना करना है तो ट्वाइस कॉलम 2। अच्छा तो देखो ज़रा क्या होगा, यहाँ पे मैं कॉलम 1 के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं। अब देखो कॉलम 1 प्लस ट्वाइस कॉलम 2 तो 3, एंड यहाँ पे हमें ये दुगनी दिखनी चाहिए तो 3 - 2 इज़ 1 -4, एंड ये भी दुगना दिखना चाहिए यानी कि 4 - 4 + 4 इज़ 0। यहाँ पे देखो अब 1 + 0 इज़ 1 लेकिन 0 + 2 इज़ 2, इसे मैंने क्यों 2 बोला, क्योंकि हमें देखो कॉलम 2 को ट्वाइस किया है, क्या किया है ट्वाइस,
बच्चे ने कहा सर यहाँ माइनस वन यहाँ टू, सर इसे वन बनाते हैं। मैंने बोला नहीं बना सकते क्योंकि डिवाइड बाई टू किया ना तो ये तो वन बनेगा लेकिन ये माइनस हाफ बन जाएगा और ये हमें फंसा सकता है। पहले इसे हटा देते हैं, कैसे? वन माइनस वन जीरो आराम से हो सकता है, तो इसे मैं पहले हटाऊंगा। क्या करूंगा? कॉलम वन एंड कॉलम टू का एडिशन, यानी कॉलम टू के अंदर मैं क्या कर दूंगा? कॉलम वन को एड कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा देखो कॉलम वन को नहीं छुआ तो उसे एज इट इज लिख लेते हैं। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? जीरो। इन दोनों का एडिशन तो टू, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या होगा? वन। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन थ्री। बच्चे ने कहा सर अब इसे डिवाइड बाई टू कर देते हैं। मैंने कहा सही बात है, कॉलम टू के अंदर कॉलम टू को डिवाइड बाई टू कर दो तो क्या मिलेगा? मैंने कहा कॉलम वन को हमने यहाँ नहीं छुआ तो पहले कॉलम वन को लिख देते हैं वन जीरो वन टू। यहाँ पे मैंने कहा जीरो एंड ये हो जाएगा वन, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई टू क्योंकि डिवाइड बाई टू हमें यहाँ भी करना है। सर आई इक्वल टू, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जिससे हमें आई मिला? मैंने कहा ये ए इनवर्स होगा क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स ही आई देता है, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिला वन टू वन बाई टू थ्री बाई टू विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक्स ए इक्वल टू टू माइनस सिक्स वन एंड माइनस टू दिया हुआ है और यहां भी हमें ए इनवर्स ही फाइंड करना है। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्या करते थे हम, वही पुरानी टेक्निक यूज करेंगे। ए इक्वल टू आई इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है? टू वन माइनस सिक्स एंड माइनस टू इक्वल टू आई क्या है? वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अच्छा सर यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, रो की कॉलम की? मैंने कहा कॉलम चलिए ट्राई करते हैं, क्या करेंगे कॉलम के लिए? देखो यहाँ हमें वन बनाना होता है लेकिन उससे अच्छा मैंने पहले देखा यहाँ पे बहुत भद्दे भद्दे नंबर है, पहले उसे हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर यहाँ कॉलम वन को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो ये टू थ्री सा सिक्स, यहाँ माइनस सिक्स क्या बना देता? जीरो। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा हमें क्योंकि वहाँ यहाँ वैसे भी हमें जीरो चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलम टू के अंदर क्या कर रहा हूँ? कॉलम टू के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? थ्री से मल्टीप्लाई करके कॉलम वन को। क्यों? क्योंकि उससे भी हमें थोड़ा बहुत आसान दिख रहा है। तो सर उसकी जगह हम इसे डिवाइड बाय टू करते जिससे वन हो जाए और बाद में कैलकुलेशन करते, तो मैंने बोला कोई आपत्ति नहीं है, आपको फिर भी सही आंसर मिलता, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा करने पर भी काम हो सकता है, इसलिए ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर वन जीरो वन जीरो ऐसे ऑर्डर में हम ना जाए तो क्या सच में आंसर आ सकता है? चलिए देखते हैं, हमने ऑर्डर बदल के देखते हैं कि भाई यहाँ पे कॉलम टू के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम वन एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, कॉलम टू के अंदर थ्राइस कॉलम वन, मतलब कॉलम वन अब आपको तीन गुना दिखनी चाहिए, टू थ्री जा सिक्स एंड माइनस सिक्स जीरो, वन थ्री जा थ्री एंड माइनस टू इज वन। अच्छा वन थ्री जा थ्री प्लस जीरो, देखो वन थ्री जा थ्री प्लस जीरो इज थ्री। अच्छा जीरो को कुछ नहीं कर सकते भाई, जीरो को कुछ नहीं कर सकते, वन एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पे काफी आसान आ गया, मैंने कहा देखो जीरो एंड वन यहां मिल गए, अब इसे जीरो बनाते हैं। क्या करेंगे? वन माइनस वन जीरो, मतलब कॉलम वन के अंदर कॉलम वन माइनस कॉलम टू कर दूंगा जिससे काम कैसा हो जाए, आसान। सर जी वन माइनस वन तो जीरो, टू माइनस जीरो इज टू, मैंने कहा ये दोनों एज इट इज। देखो जीरो माइनस वन इज माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, तो यहाँ पे ये दोनों एज इट इज। अब मैंने कहा अब इसे डिवाइड बाई टू करना अच्छा रहेगा, तो कॉलम वन को मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई टू। तो कॉलम वन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम वन को टू से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो क्योंकि जीरो अपॉन टू इज जीरो, यहाँ पे जीरो एंड वन एज इट इज। यहाँ पे इसे डिवाइड करने पर माइनस वन, इसे डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, यहाँ पे थ्री एंड वन बैठेगा बेटा। बच्चे ने कहा सर ए इंटू समथिंग इज गिविंग अस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये क्या होगा हमेशा ए इनवर्स विच इज माइनस वन माइनस वन बाई टू थ्री एंड वन विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मैंने कहा ठीक है चलिए देखते हैं, हम वही पुरानी टेक्निक यूज करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ए क्या है हमारा, 6 माइनस 2 माइनस 3 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 इंटू ए। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे भी कॉलम करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो माइनस 3 2 जा 6 1 2 जा 2, मैंने बोला अच्छी बात कह दी। तो एक काम करते हैं कॉलम वन के अंदर क्या करेंगे हम, कॉलम वन प्लस इसे डबल करके ऐड कर देंगे, मतलब ट्वाइस कॉलम टू। तो क्या होगा जरा देखते हैं,
यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो कॉलम वन के अंदर इसे दुगना करके ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस सिक्स होगा, यहाँ सिक्स एन माइनस सिक्स जीरो मिलता है, माइनस टू एन ये भी डबल होगा तो प्लस टू क्या होता है जीरो, यहाँ पे माइनस थ्री एन वन एज इट इज, यहाँ जीरो एन वन एज इट इज। मैंने कहा देखो यहाँ पे भी कॉलम वन प्लस ट्वाइस इसे करेंगे तो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टू आ जाएगा। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे एक कॉलम के दोनों एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो गए। मैंने कहा सही बात है, आपने सही चीज पकड़ी है, मैंने आपको कहा था कि कभी भी किसी एक कॉलम के या एक भी रो के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए ना तो समझ लेना कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे आप ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।